यहाँ से अलबैक शुरू हो जाता है जेंट्स का। लिया दोस्तों, हमने ले लिया, इसके अंदर है हमारा बर्गर और अब हम चलते हैं अलबैक की तरफ। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये हमने जो है अल्ताजा से जो है बर्गर ले लिया है। ये है जबली उमर वाला साइड जो आप देख रहे हैं, ज़्यादा भीड़ है, आप देखिएगा। हमने बर्गर ले लिया दोस्तों, देखिए ये अल्ताजा वालों का है दोस्तों, ये डबल है और जायका सब कुछ मिला के अच्छा है। और ये जो है ये अलबैक का है दोस्तों, ये बर्गर जो आप देख रहे हैं। ये खूबसूरत बिल्डिंग है जबली उमर की, आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा। ये हाजी वगैरह जा रहे हैं। वेलकम बैक मुशर्रफ अली खान ब्लॉग्स में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों एक नया दिन, एक नया सफ़र। और दोस्तों आज हम जाएंगे रियाद हयात रीजेंसी होटल, और इसके अंदर जो है हयात रीजेंसी होटल के अंदर जो है दोस्तों शॉपिंग शॉप भी है और दोस्तों रेस्टोरेंट भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आज आपको इस ब्लॉग के अंदर जो है दोस्तों, मैं आज आपको अलबैक का बर्गर दिखाऊंगा और जो है मैकडोनाल्ड का और बजाज का दोस्तों, और वो कितने प्राइस का है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों। ये देख लीजिए, और खूबसूरत नज़ारा है सामने का, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और ये सामने जो है इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है, देखिए इसके अंदर जाना है, जो लिखा है जबली उमर हयात रीजेंसी होटल, देख रहे हैं आप, इस गेट के अंदर हमें जाना है। इसी के अंदर जो है फोर्थ फ्लोर पर जो है अलबैग है और अल्ताजा है, मैकडोनाल्ड है, वो उसका बर्गर लेंगे और कंपेयर करेंगे कि इसका किसका जायका अच्छा है। चलिए हम इसके अंदर चलते हैं और मैं इसके अंदर आपके लिए दिखाऊँगा शॉपें, जो परफ्यूम की, घड़ी की, कपड़े की जो दुकानें हैं, हम इसके अंदर एंट्री करेंगे दोस्तों। ये इसका मेन गेट है हयात रीजेंसी होटल का, ये इस गेट के अंदर से हमने एंट्री कर ली है माशाल्लाह। और सामने बिल्कुल हयात रीजेंसी का मेन गेट होटल है, और यहीं से जो है शुरू हो जाती हैं शॉपें वगैरह। ये आप देख सकते हैं पूरा, ये देखिए परफ्यूम की दुकानें हैं सारी यहाँ पर, आगे क्लोथ की हैं पूरी। अब चलते हैं हम एक्सीलेटर से ऊपर की तरफ दोस्तों। चलिए फाइनली हम चलते हैं रेस्टोरेंट एरिया की तरफ, चौथे फ्लोर पर दोस्तों। देखिए ये प्रेस के ऊपर हमें जाना है दोस्तों, ये देखिए, और ये देखिए नीचे का नज़ारा है खूबसूरत, आप देख रहे हैं फूल। देखिए यहाँ से पूरा शुरू हो जाता है दोस्तों रेस्टोरेंट खाने का, ब्रोस्ट का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए लेकिन हमें जाना था अल्ताजाज, ये आप देख सकते हैं। और देखिए इधर साइड में भी आप देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट वगैरह लगा हुआ है, वहाँ कॉफ़ी डिसेंट है। चलिए हम इसके अंदर चलते हैं दोस्तों, ये अल्ताजाज जो देख रहे हैं, यहाँ से हमें लेना है काउंटर से, ये हम दे दिए पैसे कट रहे हमारे। ये लिस्ट लगी हुई है यहाँ पर इसकी, और ये ले ली हमने सिलेक्ट दोस्तों, इसको बाद में बताऊँगा कितने का है। ये समाज अल्ताजाज का है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसके अंदर देखिए लगा हुआ है का, ये अल्ताजाज का ये पूरा लगा हुआ है। लेने के बाद में जो है हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, जैसे हम नंबर आएगा तो वो हमारे लिए आवाज़ देगा, और आवाज़ दे के जो है दोस्तों फिर हम जो है अपना बर्गर लेंगे, फिर उसके बाद में जायका देखिए बताएंगे इसका रेट क्या है दोस्तों। और ये सामने का है रेहान, देख सकते हैं जबली उमर का सामने का व्यूज़, नंबर आ गया लेते हैं। ये हमारा पैक ये मिल गया है दोस्तों, हमने ले लिया, इसके अंदर है हमारा बर्गर और अब हम चलते हैं अलबैक की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमने जो है अल्ताजा से जो है बर्गर ले लिया है, तो चलिए अब हम लेते हैं अलबैक वाला बर्गर, फिर दोनों कंपेयर करके फिर आपको दिखाते हैं कि इसका क्या जायका क्या है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, चलिए हमें बिल्कुल सीधा जाना है। देखिए यहाँ पर भी शॉप है, देख रहे हैं यार, लेकिन बिल्कुल सामने लास्ट में अलबैग है, वहाँ हमें जाना होगा।
चलिए अगर जल्दी से चलते हैं क्योंकि रश ज़्यादा है दोस्तों। मैंने अपने साथी को वहाँ भेजा हुआ है और ये देखिए ये सामने आप देख रहे हैं KFC वगैरह है। एक KFC भी बर्गर मिलता है, इसका भी हम जल्दी जल्दी ब्लॉग बनाएंगे। चलिए अब यहाँ से अलबैग शुरू हो जाता है जेंट्स का और ये है कॉफ़ी कॉर्नर इस साइड में। कितना ज़्यादा रश है देखिए मतलब सामने आप देख रहे हैं मेरे। अब वो बंदा हमारा अंदर गया हुआ है, अब वो लेकर आएगा फिर हम देखते हैं उसको। देखिए मीनू का बारकोड है, आप इसको रिसर्च करोगे तो सारा मीनू इसके अंदर आ जाएगा। क्या स्कैन करके दूसरी ये देखिए ये बारकोड है, इसको जब स्कैन करेंगे तो आपको जो भी डिटेल चाहिए पूरी यहाँ डिटेल आ जाएगी। ये पूरी अलबैग की दोस्तों आप ये भीड़ और रश देख सकते हैं। साइड में महिलाएं हैं, लेडीज़ें हैं और इस साइड में टोटल जो है वो लोग हैं अलबैग वाले। जो सामने काउंटर है जो कि यहाँ पर निकेट्स बर्गर और ब्रोस्ट सारा कुछ ही। और ये सामने का नज़ारा है, ये है जबली उमर वाला साइड जो आप देख रहे हैं, नया हरम है साइड में, ये देख लीजिए। देखिए इस साइड में जो है आप हरम को देख सकते हैं। पूरा फूड कोर्ट एरिया है दोस्तों, ये आप देखिए ज़्यादा भीड़ है, आप देखिएगा आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। ये पूरा देखिए बाहर भी लोग खड़े हुए हैं और उसके अंदर भी खड़े हुए हैं। यहाँ सिक्योरिटी वाला जैसे अंदर खाली हो जाता है तो सिक्योरिटी वाला यहाँ से फिर अंदर के लिए भेजता है, फिर अंदर आदमी काउंटर पर पहुँचता है। देखिए जैसे ये भाई लेकर आ रहा है, देखिए अलबैग लेकर आ रहा है, इसी तरीके से अंदर से हमारा बर्गर आएगा दोस्तों। हमने बर्गर ले लिया दोस्तों, इधर पीछे देख रहे हैं बहुत रश है। चलिए अब हम इसको खाते हैं फिर आपको बताते हैं इसका प्राइस क्या है और इसका जायका कैसा है। चलो यह है, ये हमारा अलबैग बर्गर है और ये अल्तजाज का है और ये है पेप्सी दोस्तों, ठीक है। इसको हम देखते हैं, बस सर।
शुरू कर दिया मैं थोड़ा वाहन कि ये अल्तजाज वालों का है दोस्तों, ये डबल है और जायका सब कुछ मिलाकर अच्छा है। और ये जो है ये अलबेक का है दोस्तों, ये बर्गर जो आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जो है वो है अलबेक जो है ये 8 रियाल का है और ये मिला है हमें 17 रियाल का। लेकिन इसके पैसे जो है अल्तजाज की जो है दोस्तों ज़्यादा हैं, वो मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा। ये 17 रियाल का है दोस्तों अल्तजाज वाले का, ये देखिएगा। और जो अलबेग है ये है 8 रियाल का आपका। और ये सामने पेप्सी है, मतलब सब कुछ मिला के सही है। लेकिन जायका जो है वो दोनों का बढ़िया है, अलबेग का भी अच्छा है, लेकिन इसके प्राइस कम है और इसका माशाल्लाह प्राइस ज़्यादा है। लेकिन जायका दोनों का बेहतरीन नंबर वन है। लेकिन अलबेग की तो बात ये लगा, आपने देखा था भीड़ कितनी है दोस्तों। फाइनली हमने अलबेग वाला भी बर्गर खाया और अल्तजाज का भी खाया, दोनों का टेस्ट माशाल्लाह अच्छा है। लेकिन बस थोड़ा सा प्राइस का फ़र्क है, क्योंकि तो एक 8 रियाल का और एक 17 रियाल का है। तो ये आप खा सकते हैं। और ये जबली उमर जो हयात रेजेंसी है उसके अंदर P4 पर ये अलबेग है। और चलिए अब हम चलते हैं नीचे की तरफ दोस्तों। ये देखिए एक्सीलेटर है, ये नीचे का नज़ारा है। और सामने जो आप देख रहे हैं ये सब परफ्यूम की दुकानें हैं। इस साइड में भी आप देख सकते हैं। अब चलिए हमें जाना है नीचे, तो ये हम आपको मार्केट वगैरह दिखाते हुए लेके चल रहे हैं, ताकि अगर आप आएँ यहाँ पर खाना खाने या कोई भी सामान ख़रीदने के लिए तो आप आ सकते हैं। देखिए हाजी वगैरह आए हैं, देखिए तो आप घूमने भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सामान ही ख़रीदना है। अगर सामान नहीं ख़रीदना है तो कोई बात नहीं, खाना नहीं खाना, लेकिन घूम के ज़रूर जाएं। ये देखिए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं एक्सीलेटर से। ये देखिए सामने का बीज है, खूबसूरत सुपर मार्केट है बिंदाउत। देखिए इधर भी कपड़ों की दुकान है, घड़ी की दुकान है, पूरी मार्केट है इधर साइड में। ये देखिए लोग आ रहे हैं ऊपर की तरफ। और सामने है बिंदाउत सुपर मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है इसकी। सऊदी अरब में सब जगह ब्रांचेज हैं बिंदाउत की दोस्तों। ये देखिए पूरी काफ़ी बड़ी मार्केट है ये। फाइनली देख रहे हैं आप मेरे पीछे, हम निकले आए हैं हयात रेजेंसी के होटल के बाहर। और दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन का घंटा होगा उसको ज़रूर दबाएँ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ लाइक ज़रूर करिए, कि लाइक करने से दोस्तों मुझको हौसला मिलता है, ताकत मिलती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी बर्गर वाली। थैंक यू। ये देख लीजिए सामने का व्यूज़ है हयात रेजेंसी का, देखिएगा।